हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू दिसंबर 2022 टर्मेट एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। आज की इस वीडियो में पांच पॉइंट डिस्कस करूंगा आप सभी से, जो कि पहला रहेगा असाइनमेंट आपको कहां से डाउनलोड करने हैं, असाइनमेंट आपको कहां मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका फाइल ऑर्डर कैसा रहेगा, जो आप असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे उसका फाइल ऑर्डर कैसा रहेगा, असाइनमेंट आपको कहाँ पर सबमिट करने हैं और कैसे सबमिट करने हैं, ऑनलाइन करने हैं या फिर ऑफलाइन करने हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो लगातार स्टूडेंट पूछ रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट करने की ऑफिशियल लास्ट डेट क्या है। आज की स्पीड में दोनों ही पॉइंट और साथ ही साथ जो तीन पॉइंट हमने एडिशन लिए हैं उन सभी को क्लियर आउट करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आई हो मेरे, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आई स्टूडेंट बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सारे ही पॉइंट पर, जो कि आप सभी को समझने हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इग्नू के असाइनमेंट आपको कहां पर मिलेंगे। इग्नू का असाइनमेंट का ये प्रमुख पोर्टल है और मेन पोर्टल जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आपको मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट एंड एप्रिसिएट प्रोग्राम सभी के असाइनमेंट मिल जाएंगे। यहाँ से आप इजीली अपने प्रोग्राम वाइज असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इजी प्रोसेस है, आप इसी प्रकार से सभी असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस पोर्टल, जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है उस पर बात कर लेते हैं। एक तो आपके लिए जो इग्नू की सजेस्टेड बुक्स होती हैं उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, जो इग्नू की स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। दूसरा गूगल पे, और तीसरा अगर आप लोग रेडीमेड सॉल्यूशंस जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं पब्लिकेशंस के, या फिर जो ट्विटर मार्क असाइनमेंट होते हैं जो सॉल्यूशन है वो अगर आप परचेज करने जाते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि भैया असाइनमेंट्स का जो मुख्य बात है, यानी कि फाइल का ऑर्डर कैसा रहेगा। आप सभी को पता है इग्नू में जो असाइनमेंट सबमिट होते हैं हैंड रिटन फॉर्म में आपको सबमिट करने होते हैं, टाइप फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जब आप असाइनमेंट्स को लिखेंगे, आप हैंड रिटन लिखेंगे, तैयार करेंगे, उसके बाद में आपको एक फाइल बनानी होगी प्रॉपर, तो उस फाइल में ऑर्डर क्या रहेगा वो समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फ्रंट पेज लगाना है, उसके बाद में आपको असेसमेंट सीट, फिर उसके बाद आईडी कार्ड के बाद में आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद में आपके जो हैंड रिटन आंसर आपने जो लिखे हैं वो लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल आपका फाइल का ऑर्डर रहने वाला है, चाहे आप ऑफलाइन सबमिट करो या फिर ऑनलाइन, सब में फाइल का ऑर्डर सेम रहेगा। अब इसके बाद में बात आती है कि असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करने हैं, असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस क्या हैं। जिस प्रकार से आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रीजनल सेंटर 1 दिल्ली की जो गाइडलाइंस हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कैसे आपको सबमिट करने हैं। गूगल फॉर्म सजेस्टेड है वहाँ पे गूगल फॉर्म, ऑफलाइन सबमिट है वहाँ पे ऑफलाइन। अब ये गाइडलाइंस आपको कहाँ पे मिलेंगी अगर आपका रीजनल सेंटर कोई और है तो। देखो इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइंस है वो इस पोर्टल पे हैं। आप जैसे ही असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे पोर्टल पे आएंगे माइंड्स ऑफ टेक्नो पर, यहाँ पे असाइनमेंट पे आने के बाद में इस कॉलम पे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है असाइनमेंट से रिलेटेड वो सभी मिलेगा। यहाँ पे गाइडलाइंस को लेकर स्पेसिफिक लिंक है, आप इन पर क्लिक करेंगे। जैसे RC1 की बात करें, RC2 की बात करें, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप गाइडलाइंस पे आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपकी जो गाइडलाइंस है वो आपको मिल जाएंगी। इसी प्रकार से आप बाकी रीजनल सेंटर की भी गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शिमला RC की करें या फिर बेंगलोर की, या दिल्ली RC2 या RC3 की बात करें, सभी की गाइडलाइंस यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। बाकी जो रीजनल सेंटर हैं जो रह गए हैं जिनकी अभी तक नहीं आई, उनकी भी जैसी अपडेट होगी आपको इस पोर्टल पर सभी के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद रीजनल सेंटर के नेम, ताकि आप एक सिंगल क्लिक से अपने असाइनमेंट की गाइडलाइंस को चेक कर पाएँ। असाइनमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके अगर ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं ऑनलाइन करने, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आपको करना है। तो यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी आपको कहाँ पर सबमिट करने और कैसे करना है। और उसके बाद में मुख्य बात कि भैया असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 30 सितंबर है या फिर कुछ और है। तो देखिए मैं आपको क्लियर आउट कर दूँ, इग्नू की जो अभी गाइडलाइंस निकल के आ रही हैं स्टडी सेंटर वाइज, रीजन सेंटर वाइज, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि भाई जो लास्ट डेट है अभी सेप्टेम्बर है। कुछ एक स्टडी सेंटर अभी से अपनी ओर से नोटिस जारी कर चुके हैं कि भाई जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर तक हमने एक्सटेंड कर दिया, तो आप 31 अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं।
वहीं कुछ क्वेश्चन पेपर की माने जैसे बैचलर डिग्री के जो क्वेश्चन पेपर हैं उस पर क्लियरली मेंशन है कि आप असाइनमेंट को 31 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ असाइनमेंट की जो गाइडलाइंस और लास्ट डेट को लेकर कन्फ्यूज़न है। देखो अभी जो गाइडलाइंस और आपकी जो लास्ट डेट है वो इग्नू के रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की ओर से जारी की गई है जो अमूमन आपकी 31 अक्टूबर तक रहेगी, और हो सकता है कि मिड अक्टूबर में आपको इग्नू की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से नोटिफिकेशन देखने को मिले लास्ट डेट एक्सटेंड किए जाने को लेकर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए 30 सितंबर को लेकर। लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर तक तो बढ़ेगी, उसके बाद में ही फर्दर चेंज होंगे वो आपकी मुख्य वेबसाइट या फिर ये कहिए मैदानगढ़ी की ओर से आपके किए जाएंगे। और अमूमन आपकी जो लास्ट डेट है उसके विषय में ये क्लियर आउट कर दूँ कि ये आपके असाइनमेंट्स जब तक सबमिट होते हैं जब तक आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाते, ऐसा प्रीवियसली भी हुआ है और इस बार भी होने के पूरे आसार हैं। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि यार आप बहुत एंड तक वेट करते रहो, आप टाइम से सबमिट करो, टाइम से कंप्लीट करो और अपने प्रिपरेशंस करो एग्जामिनेशंस की। ऑलराइट, ये सारी बातें थी आज की इस वीडियो में। सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी क्वेरी है आप लोग कॉल मी फॉर ऐप के जरिए कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, अपनी क्वेरीज को आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इग्नू के सभी स्टूडेंट के साथ में। ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।